देखिए फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं पहले चैप्टर से, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से, द लिविंग वर्ड से पॉइंट टू पॉइंट स्टडी आपको कराने जा रहा हूँ। पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पूरा सिलेबस ही अच्छे से तैयार करिए, बनवाई लाइन बाई लाइन सारी चीज़ों को क्लियर करिए, फिर भी अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि आपको फिजिक्स भी देखना है, न्यूमेरिकल भी लगाना है, केमिस्ट्री भी, रिएक्शन भी तैयार करना है, और इनऑर्गेनिक भी देखना है, और फिजिकल भी देखना है, तो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो फिर भी समय कम है तो आप पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं हूँ सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। देखिए, आज हम लिविंग वर्ड, जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम लिविंग वर्ड का स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्टडी कर सकें। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें की, जिसको कि हम कुंजी या चाबी कहते हैं हिंदी में, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि ये की क्या होती है। देखिए, की जो होती है कुंजी, चाबी, ठीक है, तो यह एक साधन है, यह एक प्रकार का साधन है जिससे हम आइडेंटिटीफाई कर सकते हैं, ठीक है, स्पीसीज को, आइडेंटिफिकेशन पर्पस में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको याद कर क्या करना है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या है, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर इसको हम यूटिलाइज करते हैं, यानी कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर, और ये बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों के आइडेंटिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दो पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए, एक तो पॉइंट प्लांट और एनिमल दोनों में, और सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर इसको हम प्रयोग करते हैं, यानी कि प्राणियों और पौधों की पहचान हम असमानता और समानता के आधार पर करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है कि इसमें जो पेयर करेक्टर होते हैं, ठीक है, तो विभिन्न जो विरोधी लक्षण होते हैं उनके जो जोड़े होते हैं करेक्टरों के, उनको हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद जो विपरीत विकल्पों को दर्शाते हैं, ठीक है, तो अब इसमें ज्ञात क्या करना है, जो पेयर हैं वो कपलेट हैं, और जो प्रत्येक लक्षण जो होता है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड, यानी कि कुंजी में, की में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। ठीक है, यानी एक अगर सिंगल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का काम करता है, वो हमें ये बताता है कि हम इससे हम किस प्रकार से प्राणी और पौधों को यहाँ से हम आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, कुंजी में जो कपलेट हैं वो जोड़े होते हैं, और जो सिंगल एक जो लक्षण होता है उसको मार्गदर्शन में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें याद क्या करना है, इसमें चार पांच पॉइंट हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे पहले सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर, फिर पेयर में हैं तो कपलेट हैं, लीड और एनालिटिकल अप्रोच होता है, ठीक है, एनालिटिकल इन नेचर, तो इतना आप इसमें याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि इसको हम चिड़ियाघर कहते हैं, जू कहते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन के आता है ये होता है कि जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो एक्स सीटू है, ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो वन्य जीव होते हैं, जो वन्य जीव होते हैं, वाइल्ड एनिमल, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इस तरीके से उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है उनको, और उनको देख रेख में हम क्या करते हैं, इनको रखते हैं,
उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उनकी आहार जो प्रकृति होती है उनके नेचर को हम यहाँ से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें बस यही याद याद रखना है कि ये एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है वन्य जीवों को, उनको प्राकृतिक आवास इस प्रकार से प्रोवाइड करा देते हैं जैसा कि जंगलों में होता है। ये कोशिश की जाती है कि इनको वो कंडीशन प्रोवाइड की जाए जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो उनका प्राकृतिक आवास है उसी तरीके से इनको हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो म्यूज़ियम जिसकी बात करते हैं, म्यूज़ियम जिसको हम संग्रहालय के नाम से जानते हैं, तो म्यूज़ियम में क्या होता है, इसमें वनस्पतिक संग्रहालय जो होते हैं वो शैक्षणिक संस्थानों में जैसे कि विद्यालयों और कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं, और संग्रहालयों में अध्ययन के लिए जो पौधे होते हैं परिरक्षित करके और प्राणियों के नमूने रखे जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो स्पीशीज होते हैं इनको हम रखते हैं वो हमारे क्या हैं, वो एनिमल स्पीशीज स्पेसिमेंस हो सकते हैं, यानी कि जो प्राणियों के नमूने हैं, और परिरक्षित पौधे यानी कि प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस, इसमें स्टडी के लिए और उनके रेफरेंस के लिए इनका कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, जो इनको पौधों को इनको घोल बना के यानी कि पर जो घोल होता है परिरक्षित घोल में इनके डालकर हम जारों में रख देते हैं इनके नमूने जो होते हैं, और पौधे और प्राणियों के नमूनों को जो हम सुखा कर भी इनको परिरक्षित कर सकते हैं, यानी कि इनको हम ड्राई करके भी स्पेसिमेन रख सकते हैं। जो कीड़े होते हैं उनको क्या करेंगे, कीड़ों को उनको मार करके एकत्रित करके उनको मार करके कीड़ों को डिब्बे में पिन लगाकर रख देते हैं। ठीक है, जो बड़े प्राणी होते हैं जैसे कि पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, इनको भी हम परिरक्षित कर सकते हैं, इनको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। संग्रहालय में क्या होता है, म्यूजियम में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बॉटनिकल गार्डन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। बॉटनिकल गार्डन में याद रखिएगा कि जो क्यू इंग्लैंड में बॉटनिकल गार्डन है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन वो हावड़ा में है, और